आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वेरिएशंस इन क्लोन्स एंड सेकंड है आर आइडेंटिकल ट्वींस क्लोन्स ऑफ ईच अदर। तो क्लोन्स होते हैं इनमें वेरिएशंस क्यों आते हैं और दूसरी चीज जो आइडेंटिकल ट्वींस होते हैं ये एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं क्या। अब देखिए वेरिएशंस की अगर हम बात करेंगे और क्लोन्स की बात करेंगे तो ये पूरा रिलेटेड है जेनेटिक्स से। अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों भी क्लोन्स का एग्जैक्टली होना चाहिए, सिमिलर, लेकिन इनमें वेरिएशंस आते हैं। मतलब क्या होगा, इनमें चेंजेस आएंगे, चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस रैंडम हो सकते हैं। वेरिएशंस के लिए कई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि रिकॉम्बिनेशन या फिर म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के लिए भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे इस वेरिएशन के लिए, जिसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लोन्स के अंदर क्या हो जाएगा, जो सिमिलर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर आइडेंटिकल ट्वीन क्लोन्स ऑफ ईच अदर। तो ये होगा हमारा आंसर यस। होमोजाइगोटिक ट्वींस इसका मतलब ये होता है कि एक ही एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जो एम्ब्रियो होता है वो स्प्लिट होता है, स्प्लिट इनटू टू, और यहाँ पे बन जाएंगे होमोजाइगोटिक ट्वींस। और अगर ये होमोजाइगोटिक ट्वींस है तो एक एम्ब्रियो जो बना है वही स्प्लिट हो चुका है, तो दोनों में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, सिमिलर जेनेटिक मेकअप या कॉन्स्टिट्यूशन। अब जेनेटिक मेकअप सिमिलर है मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी भी बोल सकते हैं, हर एक चीज इनकी क्या होगी, सेम होगी। अब अगर मॉर्फोलॉजी भी सेम है, फिजियोलॉजी भी सेम है, सभी फैक्टर सेम है तो इन्हें हम क्लोन्स बोल सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के क्लोन होंगे, पेरेंट्स के साथ ये क्लोन नहीं होंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है क्योंकि जायगोट के बारे में बात हो रही है, तो जायगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा इसका स्प्लिटिंग होने के बाद यहाँ पे टू एम्ब्रियो बना है और वो दो ट्वींस बनेंगे बाद में, और ये ट्वींस होमोजाइगस होंगे, सॉरी ये होंगे क्लोन्स क्योंकि ये होमोजाइगोटिक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।